नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज हम हेल्थ के जिस एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसी फैक्ट्स जो नॉर्मल जनरली लोगों के सामने नहीं आ पाते, दबे रह जाते हैं, और कुछ ऐसे ओपिनियंस लोगों के सामने इतने ज्यादा आते हैं कि वही मान्यता बन जाते हैं, है ना। भ्रांतियों पर लोग विश्वास कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सच है वो उनके सामने नहीं आ पाता। तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ड हेल्थ को लेकर, है ना, स्वास्थ्य। हमारे समाज में इसको काफी हद तक मिस इंटरप्रेट किया गया। अगर किसी ओवरवेट, है ना, इंसान के बारे में बात हो रही हो और उसका नाम ना पता हो तो रेफर करने के लिए बोला जाता है कि वो जो वहां खड़े थे जो काफी हेल्दी से थे, है ना, वो ये नहीं कहा जाता कि वो ओवरवेट थे या वो बहुत मोटे थे या मोटापे के शिकार थे, है ना, उन्हें हेल्दी कह दिया जाता है। अब यहां जो एक विरोधाभास है वो ये कि उसे बीमार कहने की आवश्यकता है ना, वो अपनी एज अपनी हाइट के हिसाब से उसका वजन बहुत ज्यादा है तो वो एक तरीके से बीमार हुआ, लेकिन उसे हेल्दी बताया जाता है, है ना। और खास तौर से बच्चों को लेके तो पूछे ही मत, है ना। लोग कहते हैं वो जो चबी चबी सा बहुत हेल्दी सा बच्चा था वो बच्चा ओवरवेट है, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसकी अच्छाई बताई जाती है। संभवतः इसलिए कि हमारे समाज में किसी के लिए बुरा बोलना, है ना, नहीं सिखाया जाता, अच्छा ही बोले जब भी बोले तो इसलिए बुरे को भी अच्छा बोल दिया जाता है और लोग उसे अच्छा ही समझते रहते हैं। इसी तरीके से जब हम हॉस्पिटल्स की बात करें, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, अगर आप किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले आदमी से पूछें कि कहाँ जॉब करते हैं, किस डिपार्टमेंट में, तो वो कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। आप मुझे बताइए वो जिस डिपार्टमेंट में है यानी कि हॉस्पिटल, वहां पर स्वस्थ लोग आते हैं क्या? क्या वहां स्वस्थ लोग जाते हैं? नहीं ना, वहां कौन आता है? बीमार लोग आते हैं, लेकिन हम उसे स्वास्थ्य विभाग कहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट। इस तरीके से इतनी बार ये प्रोग्राम अंदर जाता है विच इज अ रॉन्ग प्रोग्राम, है ना, ये फैक्ट नहीं है लेकिन वही हमारे लिए सच बन जाता है, राइट। तो इसीलिए सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता पड़ती है बाद में, क्योंकि शुरू से हमारा जो कंसेप्ट है वो गलत सेट हो जाता है। और अगर बात करें डेफिनेशन की तो हेल्थ की एक जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है अगर उस पर जाएं, है ना, ऑल्दो ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है बट स्टिल जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन अगर उस पर जाएं और मैं आपसे कहूं कि आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो आपको चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा। नंबर वन, रेगुलर एक्सरसाइज। आज हम जिस लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं वहां जिंदगी स्थूलकाय हो गई है, यानी कि बिल्कुल कम से कम काम ले रहे हैं हम अपनी मसल्स से, है ना, और ज्यादातर समय हम एक जगह पर ही या तो बैठे हैं या लेटे हैं, है ना, हाथ पैर हिलाना बहुत कम हो गया है। तो ये जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ गई है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें, नंबर वन रिक्वायरमेंट। नंबर टू, प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट का मतलब, आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें, यानी कम से कम 6 से 8 घंटे सोएं। क्यों? क्योंकि जब आप जग रहे होते हैं उस समय आपकी शरीर, आपका शरीर काम पे लगा रहता है, लेकिन जब आप सोते हैं तो उस काम के दौरान जो कुछ उसका नुकसान हुआ होता है, जो डैमेज हुआ होता है, उसकी रिकवरी होती है, यानी उस समय मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, सर्विसिंग हो रही होती है, राइट। तो नंबर टू इज प्रॉपर रेस्ट, 6 से 8 घंटे कम से कम। नंबर थ्री, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। आप पूछ सकते हैं कि सोच का सेहत से क्या लेना देना? जी दोस्तों, आपका सवाल सही है, मैं आपको आपके सवाल का उत्तर देता हूं। आपकी सोच यानी
यहां ऊपर वाली मंजिल में जहां आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलता है वही रिजल्ट्स इस बॉडी में आते हैं। यही आपका मैसेज सेंटर है ना, यहीं से सारे मैसेजेस रिले होते हैं। अब अगर हम, जाहिर सी बात है कि अपने बारे में तो गलत सोच रखेंगे नहीं, हम तो दूसरों के बारे में ही गलत सोच रख सकते हैं। तो आज हमारे पास व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, सकारात्मक सोच के बारे में, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, लेकिन वो इधर से आते हैं और हम उन्हें उधर भेज देते हैं। हमें ये चेक करना चाहिए कि हम उसे अपनी जिंदगी में कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो सोच हम रहे हैं ना, तो नुकसान किसका होगा? जिस मैसेज सेंटर में रॉन्ग मैसेज चल रहा है उसी का नुकसान होगा। नेगेटिव थॉट यहां चल रहा है तो आपकी बॉडी में ही उसका रिजल्ट आएगा और वो नेगेटिव होगा, वो आपके सेल्स को डैमेज करेगा। तो ये तीन चीजें हो गई, एक रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरा प्रॉपर रेस्ट, और तीसरा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये तीन के तीन आपके कंट्रोल में है, आप चाहोगे तो होगा और नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। और एक लास्ट फोर्थ पिलर जो है, फोर्थ फैक्टर जो है, वो है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, यानी अच्छा पोषण आपके शरीर को मिलना चाहिए। तो तीन चीजें आपके कंट्रोल में है, लेकिन ये जो चौथा फैक्टर है अच्छा पोषण, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि वो दूसरों के कंट्रोल में है, जो उसे उगा रहे हैं, फल सब्जियां अनाज जो पैदा कर रहा है किसान, उसके कंट्रोल में है कि वो वहां कितना कीटनाशक डाल रहा है, पेस्टिसाइड, वो वहां कितना डाई पोटाश यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है, कितना जहर मिला रहा है उसमें पैदावार के समय ही, ये उसके कंट्रोल में है। इसके बाद जब उसे बेच देता है बाजार में, तो जो उसका भंडारण करते हैं, स्टोरेज, उनके कंट्रोल में होता है। वो उसके ऊपर कितने पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, वो उसके ऊपर कितना प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, ये उनके कंट्रोल में है। इसके बाद फिर जो आपको बेचता है बाजार में, उसके कंट्रोल में है। क्या वो लीची को कलर में डुबा डुबा के रेड कर रहा है, क्या भिंडी ग्रीन कलर में डुबा के आ रही है, ये उसके कंट्रोल में है। इसके बाद जब आप उसे खरीद के घर ले आते हैं, फिर जो उसे पका रहा है उसके कंट्रोल में है। इस तरीके से ये एक फैक्टर है जो आपके कंट्रोल से करीब करीब पूरी तरह बाहर है। तो सबसे ज्यादा जो आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी वो इस पे पड़ेगी। ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाता कैसे है? तीन तरीके हैं। एक, जब आप सांस लेते हैं हवा के जरिए आपकी बॉडी में जाती है ऑक्सीजन। नंबर टू, जब आप पानी पीते हैं वो आपकी बॉडी में जाता है, उसके साथ काफी सारे मिनरल्स आपकी बॉडी में जाते हैं। नंबर थ्री, फूड, खाना जो आप खाते हैं, फूड इनटेक। मेजॉरिटी न्यूट्रिशन जो है वो उस फूड के जरिए आपके शरीर में जा रहा है। ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, ये वही सब बातें हैं जो जीवन में आपके सामने से जरूर गुजरी होंगी, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं सिर्फ आपका ध्यान इन बातों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। आइए समझते हैं ये पोषण क्या है, खाने में से कौन सा पोषण चाहिए होता है शरीर को। जो पोषण उसे चाहिए होता है वो आपको स्कूल में 7th-8th class की बायोलॉजी बुक में पढ़ा दिया गया। फूड पिरामिड, एक ऐसा स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर पिरामिड शेप का, जिसमें ऐसे ऐसे लाइनें खींची होती हैं। सबसे नीचे लिखा होगा वाटर, फिर लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर लिखा होगा फाइबर, फिर लिखा होगा फैट, फिर लिखा होगा विटामिंस, फिर लिखा होगा मिनरल्स। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इसलिए बना कि जो सबसे नीचे लिखा गया उसको सबसे ज्यादा जगह मिली, यानी वो सबसे ज्यादा चाहिए, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो कम कम चाहिए। पानी ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, फाइबर ज्यादा चाहिए, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ज्यादा मात्रा में चाहिए शरीर को रोज। और उसके ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कम कम चाहिए, है ना, फैट, फैटी एसिड्स हो गई, है ना, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये कम कम चाहिए, थोड़ा थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यही वो 7-8 चीजें हैं जो आपके शरीर की आवश्यकता है। अब आइए समझते हैं ये कैसे आपके शरीर पर काम करता है। शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, उसे कहते हैं कोशिका, यानी सेल। एक सेल को अगर हम समझ पाए तो हम इस शरीर को भी समझ पाएंगे।
सेल इतना छोटा है कि हम उससे आंख से देख नहीं सकते, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में जब सेल्स इकट्ठा होते हैं तो वो फाइबर बनाते हैं, है ना। वो फाइबर्स मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग, और वो सारे अंग मिलकर के, वो ऑर्गन्स मिलकर के हमारा शरीर बनाते हैं। तो अगर आप अपने सेल को हेल्दी रखना सीख गए तो आप शरीर को हेल्दी रखना सीख जाएंगे। तो उस सेल की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं? उस सेल की मूलभूत आवश्यकताएं वही हैं जो आपने फूड पिरामिड में जानी। आप अपने शरीर को भोजन के रूप में कुछ भी दें, वो टिकिया, समोसा, चाट, गोलगप्पा हो सकता है, वो दाल, रोटी, चावल, सब्जी हो सकता है, वो फल हो सकते हैं, जो कुछ भी देंगे उसमें से शरीर को इन्हीं 7-8 चीजों की तलाश रहती है, बाकी सब उसके लिए वेस्ट है, राइट। तो उस सेल को अगर आप ये चीजें पर्याप्त मात्रा में दे सकें तो आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और आपकी बॉडी इन टर्न हेल्दी रहेगी, राइट। अब अगर ये चीजें आप देते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, लेकिन आप जब अनहेल्दी होते हैं तो क्या प्रक्रिया हो रही होती है? इन चीजों की कमी हो रही होती है, डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है ना, पोषक तत्वों की कमी, तो सेल को नुकसान पहुंचने लगता है। इसके अलावा और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सेल को डैमेज करते हैं, और जब सेल डैमेज होगा तो ऑर्गन्स डैमेज होंगे और बॉडी बीमार हो जाएगी। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे सेल डैमेज हो सकता है? फास्ट फूड या जंक फूड, है ना, उसे हम जंक फूड इसीलिए कहने लग गए, कूड़ा कचरा वाला फूड, क्यों? क्योंकि वो आपके सेल्स को डैमेज करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस, तनाव, जीवन में तनाव जितना कम रखेंगे उतने सुखी रहेंगे, क्योंकि वो तनाव आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स, अभी हम खाने की बात कर रहे थे, है ना, किसान उगा रहा है, पेस्टिसाइड बहुत मात्रा में यूज हो रहा है। पेस्टिसाइड क्या है? जहर है, कीड़े को मारने के लिए बना है। कीड़ा एक छोटी सी जान है, वो उससे मर जाता है, और हम उससे बड़ी जान है, तुरंत नहीं मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन मरेंगे, क्यों? क्योंकि वो सेल्स को डैमेज तो कर ही रहा है, मार रहा है सेल्स को। कीड़े के सेल्स को मार दिया तो हमारे सेल्स को भी मार सकता है, और मार रहा है। इसके बाद और बहुत तरह के केमिकल्स जो नुकसानदायक हैं आपके शरीर में जा रहे हैं किसी न किसी रास्ते, हवा, पानी, खाना, सबके रास्ते। हम जानबूझकर बहुत सारा केमिकल खा रहे हैं प्रोसेस्ड फूड के जरिए, जो कुछ फैक्ट्री से बन के आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लिए जो आपके लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, फूड पॉल्यूशन, खाने के जरिए बहुत सारा प्रदूषण शरीर में घुस रहा है और सेल्स को डैमेज कर रहा है। वाटर पॉल्यूशन, पानी के जरिए भी आज, है ना, हमने जमीन के नीचे का जो पानी है उसे दूषित कर डाला है और वो भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। एयर पॉल्यूशन, हवा के जरिए हम अपनी हवा को दूषित कर रहे हैं तमाम तरीकों से, और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में और बहुत कुछ जाने लग गया जो इस वातावरण में मौजूद है, और उससे भी हमारे शरीर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। इसके बाद आज एक और नया मॉडर्न एज का एक बहुत बड़ा घातक कारण और पैदा हो गया है, इसे कहते हैं रेडिएशन। एक सामान्य इंसान दिन के 24 घंटे में कम से कम 4 से 6 घंटा इस रेडिएशन को एक्सपोज है। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन्स, टेलीविजन, ये सब ब्लू स्क्रीन्स हैं, ये रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और ये हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंटीबायोटिक्स। जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है दवाइयों के तौर पर, उसमें हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। एंटीबायोटिक को अच्छे से समझ लीजिए, एक बार आपको समझा रहा हूं, हमेशा के लिए समझ लीजिएगा। इस नाम पर गौर करें, एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब खिलाफ, विरोध में, अगर किसी के खिलाफ है तो आप उसके एंटी हैं। किसके खिलाफ? एंटी बायो, बायो इज जीव, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। एंटी बायो, जीव के खिलाफ, जो चीज जीवन के खिलाफ है वो एंटीबायोटिक है।
कैसे जीवन के खिलाफ हुई? आप कहेंगे कि हम तो बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ध्यान से समझें, एंटीबायोटिक इसीलिए उसका नाम रखा गया है क्योंकि वो जीवन के खिलाफ है। जीवन के खिलाफ होना मतलब जीवन को नष्ट करती है। किस लिए देते हैं आपको? आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंगस, ऐसी कोई चीज से अगर नुकसान पहुंच रहा है, इन्फेक्शन हो गया, आपके शरीर में चला गया और नुकसान पहुंच रहा है, उसको मारने के लिए दिया जाता है। वो एक सेल है और आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल से। वो नहीं पहचानता कि ये बैक्टीरिया का सेल है कि आपकी बॉडी का सेल। अगर एक भीड़ भरे बाजार में एक आतंकवादी घुस आया और आप एक AK-47 लेकर के आए उस आतंकवादी को मारने, तो क्या रिजल्ट होगा? आतंकवादी तो मर जाएगा लेकिन उसके साथ बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। ठीक यही प्रक्रिया होती है जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं। उस इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले सेल को तो मारता है लेकिन साथ में आपके बहुत सारे सेल्स को भी मारता है। तो ये कुछ कारण थे जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। सेल्स डैमेज होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सेल्स डैमेज होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं जिनका हमारे पास कोई समाधान नहीं होता। क्या है वो? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, अस्थमा, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस यानी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, कैंसर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे तमाम परेशानियों से हम गुजरते हैं जब हमारे सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं। शरीर के जिस हिस्से में, जिस ऑर्गन में ज्यादा डैमेज होता है उस ऑर्गन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब पूछिए कैसे? ये तो बीमारियां हैं। नहीं, ये कोई बीमारियां नहीं है। इनमें कोई एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके शरीर का कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहा इसलिए पैदा होती हैं। डायबिटीज, आपका पैनक्रिया ठीक तरीके से इंसुलिन नहीं बना पा रहा। हाई ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट जिस ब्लड को पंप कर रहा है जितना प्रेशर उसे लगाना चाहिए उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्योंकि खून की नलियों में कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसी तरीके से ये सब है। अस्थमा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, जिस तरीके से ऑक्सीजन जानी चाहिए, इनहेल होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही। इसी तरीके से आपकी बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन, आपके जॉइंट्स, है ना, डीजेनरेट हो रहे हैं, तो अर्थराइटिस। तो आपके शरीर का कोई अंग ठीक से अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? मेडिसिन या न्यूट्रिशन? दिमाग लगाइए, मेडिसिन के बस का नहीं है ये सब। इसीलिए ये जितनी मैंने नाम लिए हेल्थ चैलेंजेस के, ये सारी हेल्थ चैलेंजेस की दवा आप कितने दिन करनी पड़ती है? सारी जिंदगी। वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से शुरू करके कैंसर तक आप जाएंगे तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप सारी जिंदगी दवा खाते हैं। दो ऐसे फैक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान में एक अनपढ़ आदमी भी जानता है। पहला, अगर आप ज्यादा दवा खाएंगे तो आपको नुकसान होगा क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। दूसरा, अगर आप लंबे समय तक कोई दवा खाएंगे तो फिर वो आपको फायदा नहीं करेगी, जो भी फायदा आपको उससे मिल रहा था। आप सहमत हैं इससे? राइट। अब आप मुझे बताइए, जब आप जिंदगी भर किसी प्रॉब्लम के लिए दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। और उसका एक हाल ही में उसका एक बड़ा प्रूफ आया है। डायबिटीज के पेशेंट्स को हमेशा दवा खाते रहना होता है जब तक जीवन रहेगा उनका। डायबिटीज के पेशेंट्स के ऊपर एक रिसर्च हुई पिछले कुछ सालों में और ये फाइंड आउट किया गया कि डायबिटीज के पेशेंट्स की डेथ होती है तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? तो पाया गया कि हाई शुगर लेवल से होने वाले नुकसान बहुत रेयर लोगों के लिए डेथ का कॉज बनते हैं। 80% से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स की जब डेथ होती है तो उनका जो कॉज ऑफ डेथ है, मौत का कारण, वो किडनी फेलियर या लीवर फेलियर होता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लिख दिया जाता है। और उसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि
कि अगर वो पेशेंट दवा नहीं खा रहे होते तो जितना जिए उससे थोड़ा और ज्यादा जी सकते थे। यानी कि पेशेंट ने दवा नहीं खाई, दवा पेशेंट को खा गई। दोस्तों आंखें खोलने की जरूरत है ना, मिथ पर ना जाए ना, जो भ्रामित करने वाली जो इंफॉर्मेशन है उस पर ना जाए, फैक्ट्स जानने की कोशिश करें। राइट, ये जिंदगी और मौत का सवाल है ना, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं कि किसी से भी ओपिनियन ले लिया और उस पर विश्वास कर लिया। जो भ्रामक प्रचार है उस पर ना जाएं, सही चीजों को जाने और एक सेहतमंद जिंदगी जिए, नहीं तो बीमार जिंदगी में कोई मजा नहीं, बीमार जिंदगी बेकार जिंदगी है। तो आप उस मेडिकल सिस्टम का इस्तेमाल करिए, लेकिन किन चीजों के लिए करिए ये जान लीजिए। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ चैलेंजेस हैं, इनके लिए वो मेडिकल सिस्टम नहीं बना, वो मेडिकल सिस्टम बना है डायग्नोसिस के लिए। आप उससे डायग्नोसिस कराइए, जो प्रॉब्लम की जड़ है कहां है वो उससे जानिए। नंबर टू, इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन यानी कट गया, जल गया है ना, बहुत खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए उसका इस्तेमाल करें। नंबर थ्री, सर्जरी। कुछ काटना है, घटाना, जोड़ना, उसके लिए उसका इस्तेमाल करें। और लास्ट फोर्थ, इन्फेक्शंस, जहां वो आपको एंटीबायोटिक से सपोर्ट करेगी है ना, वो छोटा जीव है बैक्टीरिया उसको मार देगी, वायरस छोटा जीव है उसको मार देगी, वो एक वायरस मरेगा और आपके भी एक आध लाख सेल्स मरेंगे, लेकिन आपको थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि आप एक बड़े जीव हैं। ये चार चीजों के लिए आप एलोपैथी का भरपूर इस्तेमाल करें, वो इसके लिए बना है। लेकिन याद रखें, आपका शरीर सेल्स से बना है, उसी से आपके ऑर्गन्स बने हैं। अगर आपका कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको दवा नहीं चाहिए, उसे पोषण चाहिए, सही पोषण चाहिए, स्वच्छ पोषण चाहिए, सही मात्रा में चाहिए। तो दोस्तों सही जानकारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।